हेलो एवरीवन, कंप्यूटर ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। यदि आप माखालाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध किसी संस्था के माध्यम से डीसीए या पीजीडीसीए का कोर्स कर रहे हैं तो आपको जानकारी होगी कि इसके एग्जाम साल में दो बार होते हैं, एक तो मई में होते हैं और दूसरा दिसंबर में होते हैं। दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं उसकी एक संभावित तिथि मैं आपको देने वाला हूं। संभावित तिथि यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम टेबल जो है वो क्या होने वाला है आज की वीडियो में अपन देखेंगे, किस डेट पर कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है माखालाल यूनिवर्सिटी की, उसमें जो टाइम टेबल है वो आपको दिसंबर के पहले हफ्ते में देखने को मिल जाएगा, जिससे रिलेटेड वीडियोस भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अब आपके पास समय कम बचा है और आपको अब पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है। और पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल पर हम आपको डीसीए पीजीडीसीए का कंप्लीट कंटेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया अभी तक जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर, ये तो रही माखालाल की ऑफिशियल वेबसाइट। आपको जाना हमारी वेबसाइट कंप्यूटर ज्ञान केंद्र .in में। वेबसाइट में जाने के बाद आपको होम पेज में ही यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है टाइम टेबल दिसंबर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर ये देखिए टाइम टेबल यहां पर आपके सामने आ जाएगा। तो ये टाइम टेबल आपका हो सकता है कि डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो है वो 26, 28 और 30 दिसंबर को होगा, जिसमें फंडामेंटल, पीसी पैकेज, एक्सेस और फॉक्स प्रो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके एग्जाम होंगे। इसी प्रकार से डीसीए सेकेंड सेम 27, 31 और 2 जनवरी को होगा। पीजीडीसीए फर्स्ट वालों का 26, 28, 30 और 1 जनवरी, और ऐसे ही पीजीडीसीए सेकेंड वालों का 27, 31, 2 और 4 जनवरी को एग्जाम होगा। 27 दिसंबर, 31 दिसंबर, 2 जनवरी और 4 जनवरी को एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये तो रहा टाइम टेबल। अब अगर आपको इसकी तैयारी करना, नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स के बारे में आपको जानकारी होगी, नई है जानकारी, पुराने बहुत सारे वीडियोस में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि नोट्स आप कैसे ले सकते हैं, नोट्स में क्या क्या मिलने वाला है। नोट्स लेने के लिए आपको जाना है वेबसाइट में ही, यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा कंप्लीट नोट्स के लिए जानकारी, जिसपे जिसका भी आपको नोट्स चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये क्यूआर कोड आएगा, इसमें आपको फीस सेंड करनी है। नोट्स की फीस है ₹50 पर सेमेस्टर के हिसाब से, तो आपने जैसे ही फीस सेंड करेंगे उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको ये नंबर दिया है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने पर व्हाट्सअप के माध्यम से ही आपको जो कंप्लीट नोट्स है वो सेंड कर दिए जाएंगे। पुराने जो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने पिछले बार एग्जाम दिया नोट्स की सहायता से, उनका क्या रिव्यूज है वो देखने के लिए यहां पर आप देखिए स्टूडेंट रिव्यूज यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जाकर आप हमारे पुराने स्टूडेंट के रिव्यू देख सकते हैं कि नोट्स से उनको कितनी हेल्प मिलती है। तो नोट्स जरूर लीजिएगा अगर आप एग्जाम देने वाले इस बार, और इस चैनल पे वीडियोस भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।